डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये आप देख सकते हो, ये है हनी का हॉलीडे जो होमवर्क दिया हुआ था एक पॉट बनाने के लिए और एडिशन वगैरह करने के लिए। तो पहले तक तो मैंने बनाया नहीं था, और फिर जिस दिन इसका स्कूल था 5 तारीख, तो 4 तारीख की रात हमने ये सब कुछ लेके फटाफट से हमने ये तैयार किए, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाई नहीं की, ये सबमिट करना है 5 तारीख को। और उसके पापा शाम को दुकान में जाके ये चार्ट वगैरह लेके आए, हमने उसको कटिंग करके और इस तरीके से हनी को एडिशन करना सिखाया। और ये हमने एक डब्बे को काट के बनाया था। तो ये था इनका हॉलीडे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। हनी थोड़ी आवाज़ कम कर दे। और आज है वेनसडे और अभी दिन का 1 बज चुका है, और अभी जस्ट मैं हनी को स्कूल, जस्ट नहीं 1 घंटा होने वाला है, मेरी आदत सी है बोलने की, और हनी को लेके आई। उसके बाद अभी मैंने चावल रखे हैं, खाना नहीं बनाया दिन का पूरा। और ये देखो अक्षत पूरी कोशिश कर रहा है खड़े होने के लिए। देखो खड़े हो जाओ, बस डर इस चीज़ का है मुझे लग ना जाए कहीं। ये देखो खड़े होने की कोशिश कर रहा है, बेड पर तो खड़ा हो जा रहा है वो, बट ऐसी जगह पर नहीं हो पा रहा है खड़ा। ये देखो नहीं हो पाएगा, तो पूरा अंदर घुस गया। पीछे हो जा पहले। हाँ अब हो जाओ, अब जाओ। तो अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, लाइट नहीं है, गर्मी, उमस इतनी ज़्यादा हो रही। कल रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, मतलब ट्यूसडे की रात को बहुत ख़तरनाक बारिश हुई, लेकिन उस बारिश का कोई असर नहीं है। और हमने तो कूलर फ़ैन दोनों ऑन कर रखे हैं, वो अलग बात है, मेरे ना हाथ पैरों में दर्द हो रहा है उस कूलर से और फ़ैन की हवा से, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सहन नहीं हो पा रही है। गाँव में इतनी गर्मी नहीं हो पा रही, मतलब इतनी नहीं हो रही थी, उमस नहीं थी। बारिश जिस दिन हो रही थी उस दिन काफ़ी ठंडा लग रहा था, बट यहाँ पे बारिश का कोई असर नहीं है, और इतनी मतलब उमस सी हो रही है। आप मेरे फेस पे देख सकते हो पसीना पसीना हो रखा है, और अक्षु के भी पूरे बालों के अंदर इतना पसीना हो रखा है कि क्या बताऊँ। तो बस ये अब जैसे मैं किचन में जा रही हूँ, पीछे पीछे आ जा रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ, फिर कोशिश कर रही है। ये देखो अभी तक ये कोशिश कर रहा था, अभी नीचे चले गया, अभी तक ये यहाँ पे लगा था, और अब देखो यहाँ पहुँच गया, दूसरा वहाँ पे लेटा हुआ है, और ये यहाँ पे, ये देखो। तो सोच रही हूँ, उसको पता है अभी मम्मी यहीं पर बैठी, इसलिए वो इधर उधर जाएगा नहीं, मैं जैसे अंदर जाऊँगी ना वो मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ दाल बनाने के लिए, और ये गाड़ी छोड़ के इधर को आ गया, ये देखो। तो जैसे मैं किचन की तरफ जाऊँगी ना, ये मुझे और कुछ नहीं है, ये बाथरूम के आगे पानी गिरा रहता है, और वो पानी में ना छप छप करने के लिए आ जाता है, और पूरे कपड़े गंदे कर देता है। तो ऐसा नहीं है बच्चे कपड़े गंदे तो करेंगे, बट ये है कि आजकल ना फिर से इसको जुकाम लग गया। जैसे ये यहाँ पर आया नानी गाँव में, ठीक हो गया था इसका जुकाम, हालाँकि जब गए थे उस टाइम पर बहुत ही ख़तरनाक वाला इसको जुकाम लगा था, हमने दवाइयाँ ली इसके लिए, बट उसके बाद ठीक हो गया था। फिर जैसे यह आया कल परसों, मैंने इसको नहलाया, वैसे इसको जुकाम लग गया। आज नहलाना था, आज मौसम एकदम पैक हो रखा है, उमस है, बट मैंने कहा छोड़ो आज नहीं नहलाते हैं, क्योंकि इसकी ना तबीयत भी ख़राब हो रही है सर्दी जुकाम से, और कल रात भर सो नहीं पाया ये। तो आज ये सो गया था 10:30 से 12:15 तक, और उसके बाद हनी को लेने जाना था मुझे 11:45 पे, तो मैंने इसको भी फटाफट से कपड़ा पहनाया और इसको भी लेके गई। ये देखो क्या कर रहा है अक्षु, अक्षु अक्षु, ये देखो मेरे पास आ रहा है। कहाँ कहाँ जा रहे हो? अभी देखो मेरे को पकड़ के ना खड़ा हो जाएगा। तो ये देखो ये इस तरीके से ना खड़ा हो जाता है यहाँ पे, मेरे को पकड़ के अभी खड़ा हो जाएगा। चलो खड़े हो जाओ,
खड़े हो जाओ। और इतनी गर्मी में ये ऐसे करके आया है ना, मैं बता नहीं सकती इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये देख ऐसे में ना ये खड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे अभी तो डेढ़ मंथ से ज़्यादा ही होगा, तो इतना अभी इसको मतलब एक साल होने के लिए इतना बाकी है। तो तब तक मुझे लग रहा कि अक्षत भी चलने लग जाएगा, जैसे हनी चलने लग गया था अपने बर्थडे तक। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डेढ़ साल में चलते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चलने लग जाएगा हनी की तरह, है ना। ये देख ऐसा लग रहा, थोड़ी देर ये कोई पकड़ लेता इसको ना तो मैं खाना बना देती, क्योंकि बच्चा फिर ये रोता है और अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, और अंधेरा हो रखा अंदर, आप देख सकते हो लाइट बिल्कुल नहीं है। लाइट रहती ना यहाँ पे, मैं इसको कुछ और चीज़ के साथ इसका ध्यान वो कर देती, बट फिर भी ना ये मेरे पास आएगा ही आएगा। ये देखो ये है इसके काम, ये देखो देख गिर गया। लेकिन कुर्सी पकड़ के खड़े हो जाओ। ये देखो फिर से आ गया, फिर से मेरे पास आ गया। क्या बोलो बच्चे ऐसे ही होते हैं। काश यहाँ बगल वाले भी चले गए, काश मैं कह रही यहाँ पे कोई ऐसी फैमिली आती, कोई ऐसे लोग आते जिनके पास मैं बस थोड़ी देर के लिए अपना बच्चा छोड़ पाऊँ। दिन के टाइम पे जब मैं हनी को लेने जाती हूँ, मतलब इतना मैं उनको बोलूँ कि ये सोया है और अगर ये उठेगा तो इसको थोड़ा देख लेना, पीछे बाइक की आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा इसको देख लेना, अदरवाइज क्योंकि इतनी आफत आ रही है। एक आज तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी, तो एक हाथ में अक्षु था, फिर छाता था, और हनी का बैग और हनी का हाथ, क्योंकि यात्रा चल रही है, गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से आ रही है, तो बच्चे को भी मैं छोड़ नहीं सकती हूँ हनी को, और बहुत टफ हो रहा। मेरी ऐसी हालत हो गई थी, क्या बताऊँ। ये देखो आजकल ये बोल भी रहा है पापा दादा, और दादा दादा बोलता है कभी कभार, मम्मा माँ बोल रहा है, और क्या बताऊँ हालत ख़राब हो गई इनके साथ। ये देखो फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ये देखो। और इस पर चोट इतनी ज़्यादा लग गई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। हनी बचपन में कहीं नहीं गिरा, बट अक्षत इतनी जगह गिर गया मैं बता नहीं सकती इतनी। वहाँ नानी गांव में भी बेड से भी गिरा, और वहाँ पे चेयर में खड़ा होता था बहुत बार गिर जाता था। क्या हुआ देखो, चढ़ नहीं पाया, रोने लग गया। क्या हो गया। तो अभी दोनों सोए हुए हैं, और अभी तक बारिश लगी हुई थी, बट अभी ठीक है मौसम, और मैं इसके पापा का वेट कर रही हूँ अभी, तो अभी तक तो आए ही। अभी मैं मौसम का हाल दिखाती हूँ आपको। गर्मी ठीक है, इतनी गर्मी नहीं हो रही, बट हल्की हल्की सी है, और फैन ऑन है। ये है कि आप कूलर की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दरवाज़ा खोलना मतलब मच्छर सीधे घर के अंदर। तो अक्षत ना भी दोबारा सोया है, वो एक बार उठ गया है, तो मेरी कमर में पेन हो रहा था, मैंने उसको दोबारा खुला दिया। मैंने कहा कब तक मैं गोदी पे रखूँगी, और एक बार मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रखता है।